1910 में आज ही के दिन भारत के 8वें राष्ट्रपति आर वेंकट रमन का जन्म हुआ था। 1987 में 77 वर्षीय वेंकट रमन ने राष्ट्रपति पद की शपथ ग्रहण की थी। इससे पहले वह देश के उपराष्ट्रपति का पद संभाल चुके थे। उपराष्ट्रपति से राष्ट्रपति बनने वाले डॉक्टर राधाकृष्णन, डॉक्टर जाकिर हुसैन और वीवी गिरी ही थे। रामास्वामी वेंकट रमन 1947 से 1950 तक मद्रास प्रोविंशियल बार फेडरेशन के सचिव रहे। 1953 से 1954 में यह कांग्रेस संसदीय दल के सचिव रहे। वेंकट रमन तमिलनाडु की औद्योगिक क्रांति के शिल्पकार माने जाते हैं। 1967 में तमिलनाडु में सत्ता परिवर्तन हुआ था, जहां कांग्रेस सत्ता से बाहर हो गई। तब वेंकट रमन को दिल्ली में योजना आयोग का सदस्य नियुक्त किया गया था। साथ ही उद्योग, श्रम मंत्रालय व संचार, रेलवे, ऊर्जा और यातायात विभाग उनके हवाले कर दिया गया। 1919 में आज ही के दिन भारत के 12वें प्रधानमंत्री इंद्र कुमार गुजराल का जन्म हुआ था। गुजराल उस वक्त प्रधानमंत्री बने थे जब कांग्रेस की समर्थन वापसी के भय से संयुक्त मोर्चा सरकार ने नेतृत्व परिवर्तन की मांग स्वीकार कर ली थी। तब एचडी देवगौड़ा को प्रधानमंत्री पद छोड़ना पड़ा था। देवगौड़ा ने 21 अप्रैल 1997 को अपने पद से इस्तीफा दे दिया और इसी दिन गुजराल को प्रधानमंत्री के पद पर नियुक्त किया गया। 1998 में कांग्रेस ने अपना समर्थन वापस ले लिया और गुजराल अपदस्थ हो गए। इस तरह गुजराल करीब एक वर्ष तक भारत के प्रधानमंत्री रहे। प्रधानमंत्री पद पर पहुंचने से पूर्व गुजराल को केंद्र में राज्य मंत्री के तौर पर विभिन्न मंत्रालयों को संभालने की जिम्मेदारी दी गई थी। गुजराल ने संचार व संसदीय कार्य मंत्रालय, सूचना और प्रसारण मंत्रालय, सड़क व भवन मंत्रालय और विदेश मंत्रालय की जिम्मेदारी संभाली थी। इन्होंने राजनयिक के रूप में इंदिरा गांधी को अपनी सेवाएं भी दी थी। 1952 में आज ही के दिन लंदन शहर में स्मॉग की घनी परत छा गई थी। ऐसा 4 दिनों तक चलता रहा, जिसकी वजह से करीब 4,000 लोगों की जानें चली गई थी। उच्च दबाव वाली वायु के घनत्व को टेम्स नदी की घाटी में जमता देखा गया था। जैसे ही पश्चिम में से आने वाली ठंडी हवाएं इससे टकराई, लंदन शहर के ऊपर इकट्ठी हुई हवा वहीं की वहीं फंस गई। तापमान गिरने से लोग अपने घरों में गर्मी पाने के लिए ज्यादा कोयला जलाने लगे। इस तरह कोयले का धुआं, कालिख के साथ आसपास की कारों से निकलने वाला धुआं और उद्योगों से आने वाले सल्फर डाइऑक्साइड ने मिलकर एक असाधारण मिश्रण बना दिया और पूरा शहर भारी धुंध में घिर गया। 7 दिसंबर आते आते सूरज की किरणें भी इसे भेद नहीं पा रही थी। खतरे को देखते हुए आवाजाही रोकने का निर्देश दिया गया, लेकिन तब तक कई रेल दुर्घटनाएं हो चुकी थी। 9 दिसंबर को जाकर यह खतरनाक धुंध छटी, जिसके बाद ब्रिटिश सरकार ने इस दुर्घटना के मद्देनजर वायु प्रदूषण से संबंधित कानून कड़े किए और लोगों से घर गर्म करने के लिए कोयले का इस्तेमाल न करने की अपील की। और 4 दिसंबर यानी कि आज का दिन भारत में भारतीय नौसेना दिवस के रूप में मनाया जाता है। 3 दिसंबर को भारतीय सेना ने बांग्लादेश में पाक सेना के खिलाफ जंग की शुरुआत की थी। वहीं ऑपरेशन ट्राइडेंट के तहत 4 दिसंबर 1971 को भारतीय नौसेना ने कराची नौसैनिक अड्डे पर भी हमला बोल दिया था। भारतीय नौसेना की पाकिस्तानी नौसेना पर जीत की याद में भारतीय नौसेना दिवस मनाया जाता है। नौसेना भारतीय सेना का सामुद्रिक अंग है। भारतीय नौसेना विश्व की 5वीं सबसे बड़ी नौसेना है। नौसेना में 55,000 नौसैनिक शामिल हैं। नौसेना भारतीय समुद्री सीमा की सुरक्षा को प्रमुखता से निभाते हुए विश्व के अन्य प्रमुख मित्र राष्ट्रों के साथ सैन्य अभ्यास में भी सम्मिलित होती है। भारतीय नौसेना 1613 में ईस्ट इंडिया कंपनी की युद्धकारिणी सेना के रूप में इंडियन मरीन के नाम से संगठित की गई। 1685 में इसका नाम बदलकर बम्बई मरीन किया गया। 8 सितंबर 1934 को भारतीय विधान परिषद ने भारतीय नौसेना अनुशासन अधिनियम पारित किया और रॉयल इंडियन नेवी का जन्म हुआ। दूसरे विश्व युद्ध के दौरान नौसेना का विस्तार हुआ।